Hey guys, hello everybody, welcome back to my channel Cricket Ribbon. Swagat hai aap sabhi ko mere channel Cricket Ribbon par. So guys, this is the fourth week of Cricket Shots. Welcome everybody, welcome you all to the fourth week of Cricket Shots. Guys, aap sabhi ko pata hai ki yahan pe hum log top 5 stories pesh karte hai ki cricket ki duniya pe kya ho raha hai, kahan pe kya ho raha hai, कौन ज्यादा बल्ले घुमा रहा है अच्छा से, कौन गेंदबाज अच्छा से कर रहा है, तो ये सब खबर वीकली बेसिस हम लाते हैं राइट हियर इन क्रिकेट शॉट्स फीचरिंग क्रिकेट रिबॉन. सो गाइस, टू मिस नो नोटिफिकेशंस क्लिक द बेल आइकन एंड यस, जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल और शेयर कीजिए बहुत सारे लोगों को ताकि सभी को खबराएं मिले कि कहां पे क्या हो रहा है इन दिस क्रिकेटिंग दुनिया. दोस्तों चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस, फर्स्टली ऑस्ट्रेलिया के मेन बैट्समैन है, जो मेन बल्लेबाज, इन फॉर्म बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ, वो रूल्ड आउट हो गए हैं सेकंड टेस्ट. और बैक टू बैक बाउंसर्स उसको जाके लगे, फर्स्ट बाउंसर्स जैसे तैसे सेल लिए, पर सेकंड वाला में वो एकदम नीचे गिर गए एंड ही वॉज लाइक इन ब्रेक चेकिंग कंडीशन. तो एंड ही गॉट रिटायर्ड हर्ट. तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उसको अपना ग्राउंड छोड़ना पड़ा, उसको ग्राउंड छोड़ना पड़ा एट 80. बट 40 मिनट बाद वो फिर से आए, लौट आए एंड ही स्कोर 12 मोर रन्स, 92 रन्स करके ही वाज ट्रैक्ड बाय क्रिस वोक्स इन एलबीडब्ल्यू. कुछ ऐसा हुआ है कि जब भी एक बॉलर का क्या काम होता है, जब भी किसी को बाउंसर लगता है तुम्हारे बॉल पे, तो ऐसा होता है कि जाके उसको देखना होता है कि बैट्समैन सही तो है, उसको ज्यादा जोर से नहीं लगा था, छोर से उसका नहीं लगा, गहरा तो नहीं है. पर जोफ्रा आर्चर, ही जस्ट मॉक्ड सम फेसेस ऑफ लाफ्टर. This was really not acceptable by the cricketing world. Even Shoaib Akhtar, जो है अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर, जो एक्स क्रिकेटर है, सबसे तेज गेंदबाज है ODIs पे, अब तक के रिकॉर्ड है उनके पास, और वो भी बोले कि ऐसा हम लोग, अगर हम लोग होते तो क्या, कि कोई बॉलर को अगर बाउंसर से लग जाता है तो हम लोग जाते थे उनके पास और जाके पूछताछ करते थे कि जानते थे कि क्या हुआ है, कैसा लगा है, अभी ठीक तो है ना, कैसे ठीक हो सकते हैं. पर जोफ्रा आर्चर ऐसा बिल्कुल नहीं किया. इन द एंड एशेज में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जो कि सेकंड बैटिंग किए थे, उन लोग को चेस करना था 267 रन्स, दे लॉस्ट अर्ली विकेट्स, यू नो. बट उसके बाद जो मानस लाहुशा ने केम इन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्टीवन स्मिथ, उसने अच्छा परफॉर्म किया अलोंग विद ट्रेविस हेड. ट्रेविस हेड भी साथ में थे, ये दोनों मिलके पूरा सिचुएशन को हैंडल किया एंड देन द मैच वाज ड्रॉन. दे हेल्प्ड इन ऑस्ट्रेलिया, they helped in the match draw against England in the second Ashes test. So secondly, Dimuth Karunaratne, the opener from Sri Lanka, his century 122 runs usne banaya in the second innings and this has been very vital. Ye bahut kaam aaya in the winning of Sri Lanka. And not only he, उसके साथ थे लहिरु थिरुमन ने, उसके पार्टनर, जिन दोनों ने एक अच्छा पारी खेला एकदम शुरुआत में और जिसके वजह से श्रीलंका के लिए विक्ट्री बहुत ही आसान हो गया अगेंस्ट द न्यूजीलैंड. और कहां पे हो रहा है ये सब हो रहा है राइट इन श्रीलंका फ्रॉम द गैले इंटरनेशनल स्टेडियम. नंबर 3 इज हार्डी कांग्रेचुलेशंस टू द इंडियन फिजिकल डिसेबिलिटी टीम. हाँ गाइस, आप लोग सही सुने, द इंडियन फिजिकल डिसेबिलिटी टीम, उन्होंने द फिजिकल डिसेबिलिटी सीरीज जीता इंग्लैंड को 36 रन पे हरा के. ऐसा भी होता है क्या? हाँ जरूर होता है, ब्लाइंड चैंपियनशिप भी होता है क्रिकेट में और फिजिकल डिसेबिलिटी लोग के लिए भी क्रिकेट होता है. इंडिया ने इंग्लैंड को 36 रन से हराया इन द इंडियन फिजिकल डिसेबिलिटी सीरीज एंड गाइस गेस व्हाट, इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स पे 180 रन बनाए एंड उसके बाद इंग्लैंड दे वर बंडल्ड अप फॉर 144 for 9. KD performed an all-round performances, you know. He scored 36 runs and along with it, he also took 2 wickets conceding only 15 runs. Guys, coming next is Chetashwar Pujara, jinhone retired ho gaya. So guys, 2 men retired in this week. Yes, Chetashwar Pujara ne retired ho gaya and 100 run banaya tha West Indies A ke khilaf aur jaise unhone apna shatak lagaya, uske baad he wo retired ho gaya. Rohit Sharma was also shining on this day. And he scored 65 runs, you know, batting at lower orders. After batting करके India ने 297 बनाया, 5 विकेट गवाए और उसके बाद declare दे दिया. And then ऐसा हुआ कि West Indies 181 पे all out हो गया. उमेश यादव, विशाल शर्मा, wonderful bowling from them. कुलदीप यादव ने भी 3 विकेट चटका इन दोनों के साथ. And एक run out है जो जिसके पीछे हाथ था रविंद्र जडेजा का. So guys, उसके बाद इंडिया फिलहाल बैटिंग तो कर रहे हैं एट 84 for 1 रहा ने, जो कि ओपन किया मयंक अग्रवाल के साथ और वन डाउन, मयंक अग्रवाल आउट हो गए थे और वन डाउन पे अपना आया है हनुमा बिहारी के.
गाइस कमिंग नेक्स्ट इज रूडी सेकंड, जिनका पहला टेस्ट कॉल आया था इंडिया के खिलाफ एज अ डेब्यूटेंट इन द अक्टूबर सीरीज, वो भी इंजर्ड हो गए एंड ही नीड्स टू गो अंडरगो सर्जरीज। तो उसके जगह हेनरी क्लासेन को बुलाया है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट ने। हेनरी क्लासेन जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 14 ODIs और 9 T20s खेले हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मौका है टेस्ट में। पहली बार एज अ डेब्यूटेंट ही प्लेइंग दैट टू अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ। पहले हम लोग देखे थे कि उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया और एक मौका है उनके लिए। हेनरी क्लासेन प्लेइंग सम ब्यूटीफुल नॉक्स इन द टेस्ट क्रिकेट कमिंग। तो गाइस आज यहीं पे समाप्त करते हैं और हाँ, हम फिर से आएंगे विद द न्यू एपिसोड्स ऑफ वीक 5 एंड वीक 6 एंड वीक 7 कंटिन्यू करेंगे ऐसे। कीप सपोर्टिंग अस, वी विल बी हियर टू यू टू ब्रिंग यू अप विद वीकली न्यूज, वीकली टॉप 5 स्टोरीज फ्रॉम क्रिकेट शॉप विच इन क्रिकेट रिवन। एंड बस इतना ही नहीं, सामने और भी बहुत कुछ आने वाला है, नॉट ओनली जस्ट न्यूज। सब्सक्राइब बटन आउट देयर एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट ईच एंड एवरीवन गेट टू नो व्हाट्स गोइंग इन एंड अराउंड द क्रिकेट एरिना। तो गाइस यहीं पे आज के लिए समाप्त करते हैं और